जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक सुधार के कुछ अधिनियम की। ठीक, अधिनियम देखेंगे, उस समय गवर्नर जनरल कौन था और किस वर्ष वो अधिनियम आया और विषय क्या थे। ज़्यादा नहीं है, 6 से 7 पॉइंट हैं बस। ठीक, छोटा सा इसीलिए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शिशु वध प्रतिबंध जो है ये अधिनियम आया, उस समय गवर्नर जनरल वेलेजली था। और डेट की बात करें 1798 से 1805, इसमें क्या हुआ, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया अधिनियम, और 1829 इसमें सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। और दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के टाइम में हुआ 1843। इसमें क्या हुआ भाई, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया 1856 में, विधवा विवाह की अनुमति मिली। तो कुछ एक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि 1856-72 दे दिया आपको, मैच करने को दे दिया कि किस टाइम पीरियड में कौन सा एक्ट आया, तो ये इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम में 1872 में, इसमें अंतर जातीय विवाह से संबंधित है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लैंसडाउन के टाइम में 1891 में, इसमें लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक, इसके बाद शारदा एक्ट आया इरविन के टाइम में 1930 में, इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो ये कुछ 7 हैं, ज़्यादा नहीं है, सामाजिक सुधार अधिनियम, इनको तो आपको ध्यान में रख लेना है। अब लगे हाथ मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और कुछ संगठन हैं, एग्ज़ाम की तरफ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो फरेजी आंदोलन जो है 1819 और स्थान क्या था, फरीदपुर बंगाल। संस्थापक की बात करें तो हाजी सैयदुल्ला और दादू मियाँ। तायुनी आंदोलन 1839 ढाका में हुआ, करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक हुए। दारुल उलूम जो है 1867। ठीक, और ये जो हुआ था, स्थान कहाँ से शुरू हुआ था, देवबंद सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और संस्थापक में मोहम्मद कासिम रशीद अहमद और गंगोही का नाम आता है। इसके बाद अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में अलीगढ़ से ही हुआ, इसमें सर सैयद अहमद खां का नाम आता है, ये आप याद कर सकते हैं। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90, स्थान है फरीदकोट। ठीक, और कादियान के मिर्ज़ा, और संस्थापक में गुलाम अहमद का नाम आता है। नदवातल उलेमा जो आंदोलन है वो 1894 से 1895 में, स्थान लखनऊ है, और कौन शुरू किया था, मौलाना सिबली नुमान। ठीक, नुमानी ने इसको शुरुआत की थी। तो यहाँ पर मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन आप लोगों ने जाने, और जो सामाजिक सुधार अधिनियम है कुछ महत्वपूर्ण उनके बारे में जाने। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, और लगभग 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 क्या, हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए।